जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। यहाँ पर गूगल वाले क्या करने में लगे कि हमारे स्मार्टफोन में जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग के जो फीचर्स आते हैं ना, वो सारे चीज़ यहाँ पर हटाने में लगे हुए हैं। पहले इन लोगों ने जितने भी यहाँ पर स्मार्टफोन ब्रांड्स आते थे, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, आईक्यू वगैरह, ये जितने ब्रांड्स थे, यहाँ पर आप सभी को उनके डिफॉल्ट डायलर देखने को मिलते थे। फिर उनको यहाँ पर गूगल वालों ने फोर्स किया और उनके डिवाइस से जो है वो एप्लीकेशन ही हटवा दिए गए और गूगल का डायलर देने लग गए। अभी एक सैमसंग बचा है जिसके अंदर हमें उनका खुद का डायलर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर गूगल वाले जो है ना, अब फोर्सफुली कुछ ज़्यादा यहाँ पर करने लगे हैं। अभी इन लोगों ने एक और भी चीज़ दिमाग लगा दी है कि प्ले स्टोर में जितने भी ऐप्स आते हैं यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग वाले, उनको भी ये लोग यहाँ पर हटाने वाले हैं। और कुछ और भी नई जानकारी यहाँ पर निकल के आई है, और ये भी गूगल वालों ने कंफर्म कर दिया कि कब से आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर चीज में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के जो वीडियो बिना तरीके हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात जो है, कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पर कई कई कंट्रीज के अंदर जो है तो जमा इलीगल है, और यहाँ पर कई सारे जो कंट्रीज के अंदर लीगल भी देखने को मिलता है। कुछ कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि उन रूल बना रखा है कि यहाँ पर लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग करने की छूट पूरी दे रखी है, और कुछ जगह क्या होता है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो बट सामने वाले को पता भी रखना चाहिए, तो वो चीज़ भी देखने को मिलती है कई कई कंट्रीज के अंदर। हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कई सारे यहाँ पर रीजंस है अपने इंडिया के अंदर। बट यहाँ पर इन सब चीज़ों को एक बार साइड में रखते हैं, और यहाँ पर गूगल वालों ने ऑफिशियली यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म करी है कि उन्होंने ये चीज़ कहा है कि हम यानी कल से, यानी कल हो गया लगभग यहाँ पर 11 मई, 11 मई से जो है, 11 मई 2022 से जितने भी यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करने वाले जो ऐप्स वगैरह प्ले स्टोर में देखने को मिलते हैं ना, उनसे उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो छीन ली जाएगी। और वो जो है, आप लोग जैसे उनके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे और कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करोगे, वो चीज़ यहाँ पर वर्क नहीं करने वाली है कल से। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली यहाँ पर गूगल का स्टेटमेंट आ चुका है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। गूगल वालों ने खुद बोल दिया कि यहाँ पर टुमोरो, यानी कि यहाँ पर कल से, यानी 11 मई 2022 से जो है गूगल वालों ने ठान लिया है कि हम 11 मई 2022 से है ना, जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशंस आते हैं कॉल रिकॉर्डिंग करने वाले, उनके अंदर से जो है ना, हम यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर यहाँ पर हटाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर है वो हटने वाला है यहाँ पर। यानी जैसे आप मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन यूज करते थे कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, आपने डाउनलोड करा होगा उस कोई भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ती थी तब जाके जो है वो रिकॉर्डिंग करता था, वो सिस्टम यहाँ पर हटा दिया जाएगा कल से, यानी 11 मई से। ट्रू कॉलर के अंदर हमें चीज़ देखने को मिलती थी कि ट्रू कॉलर को भी हम लोग एक्सेसिबिलिटी देते थे तो वो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आ जाता था, बट उस चीज को भी यहां पर गूगल वाले जो है ना वो हटाने वाले हैं। नेक्स्ट अगर उनका ऐप का अपडेट आता है उससे हट जाए, नहीं तो यहां पर फ्यूचर में कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह का अपडेट आता है उससे भी इस चीज को हटाया जा सकता है, और यहां पर कई सारे चीजों से जो ये चीज हटते हुए देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि कंप्लीटली ये कब तक यहां पर हटने वाला है। अभी तो गूगल ने इतनी चीज कंफर्म कर दी कि कल 11 मई 2022 से जो है ना, हम यहां पर कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर है, जितने भी ऐप्स वगैरह आते हैं उन सभी में से ये फीचर को यहां पर रिमूव करने वाले हैं। उनका जो गूगल डायलर देखने को मिलता है उसमें जो कॉल रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती है, जिसमें अनाउंसमेंट होती है कि दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, ये वाला अनाउंसमेंट आपको सुनना ही पड़ेगा और यही वाला फीचर देखने को मिलेगा। अब गूगल इसको भी रखता है कि नहीं रखता, वो भी अब यहां पर देखने को वाली बात होगी यहां पर। और रही बात सैमसंग में जो उनका डायलर देखने को मिलता है उसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दिया हुआ है, उसमें भी शायद यहां पर जो है ना गूगल उस चीज को हटा सकता है। अब यहाँ पर ऑफिशियली देखते हैं ये सारी चीज़ जो है कब तक यहाँ पर हटने वाली है। ऑफिशियली तो बस इतना बताया गया है कि हम यानी कल से 11 मई 2022 से जो है ना, जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग वाले एप्लीकेशन आते हैं जिनको एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ती है रिकॉर्डिंग खातिर, वो सारे सिस्टम जो है हम लोग अपने डिवाइस से हटाने वाले हैं। फ्यूचर में अगर एंड्रॉइड का कोई बड़ा अपडेट भी आता है, जैसे एंड्रॉइड 13 आएगा, अगर अपने डिवाइस को एंड्रॉइड 13 के अंदर भी अपडेट करोगे तो भी वो सिस्टम से यहाँ से हट जाएगा रिकॉर्डिंग वाला सारा सिस्टम। तो ये चीज़ काफ़ी बुरी है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग जो है यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग करना आप सभी के लिए यहाँ पर हेल्पफुल है कि नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, और मुझे कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए था, बट यहाँ पर ये गूगल वाले कुछ ज़्यादा यहाँ पर गलत करने लग रहे हैं। काफ़ी बुरी चीज़ है यहाँ पर ये गूगल की, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है यहाँ पर। पहले यहाँ पर 2000 लगभग 16 के आसपास जो है ना, कई जगह ये चीज़ बिल्कुल फ्री चलती थी, फिर उसके बाद उस पर रोक लगा दिया, फिर एंड्रॉयड 10 आया, एंड्रॉयड 10 के अंदर भी जो हमें गूगल डायलर देखने को मिल गया काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में, कुछ स्मार्टफोन में नहीं थे बट एंड्रॉयड 10 में लगभग सितंबर के महीने के बाद जो है ना काफ़ी सारे स्मार्टफोन में गूगल डायलर आ चुका था एंड्रॉयड 10 के टाइम। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर गूगल वाले इसको कैसे करते हैं। अब इसको गूगल ने तो यहाँ पर ऑफिशियली बता दिया कि हम 11 मई 2022 से जो है ना कंप्लीटली यहाँ पर इस चीज़ को हटाने वाले हैं, कोई भी एप्लीकेशन भले आप डाउनलोड कर रहे हैं उसको एक्सेसिबिलिटी देखने को नहीं मिलने वाली है। हालांकि कुछ दिन तक देखने को मिल सकती है बट धीरे धीरे करके वो सारी चीज यहां पर हट जाएगी। बाकी आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, यहां पर कॉल रिकॉर्डिंग को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और बस वीडियो इतने था, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।